Assalamualaikum everyone, welcome to the new video. I know आप सब खैरियत से होंगे. तो सबसे पहले आपसे मैं apologize करता हूँ इस बात की कि मैं दो महीने से इस चैनल पर गायब था, जिसमें रमज़ान भी गुजर गई, ईद भी गुजर गई. तो सबसे पहले मैं आपको रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ. उसके बाद दूसरे नंबर पर जुम्मे में जो रमज़ान में जो पहला जुम्मा आया है उसका आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. और तीसरे नंबर पर आप सबको ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ. आई नो ये बहुत टाइम बाद मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, मगर आप कबूल कीजिएगा. तो सीन ऐसा है कि मैं व्लॉग वाले चैनल पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था, तो इस बेचारे चैनल को लावारिस ही मैंने छोड़ दिया था. जल्दी फेस कैम वीडियो भी बनाएंगे, तब तक आप इसी काम चला लें. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड परफेक्टली. आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल शार्प तरीके से कैसे काट सकते हैं, या अपनी फ़ोटो का आप स्टिकर कैसे बना सकते हैं, तो आज इस टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा. तो सबसे पहले आप पिकआर्ट को ओपन कर लें, प्लस के बटन को प्रेस करें, ऑल फोटो, और इधर से आपने करना है इधर ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट. बैकग्राउंड में ये जाना है, आपने इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है. हो गया. अब इसमें आपने जिस फ़ोटो का स्टिकर बनाना है कि इस फोटो को मैं बाद में बैकग्राउंड इसका चेंज करूँगा, आपने वो फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है. ऐड फ़ोटो को प्रेस करना है, जो भी फ़ोटो को आपने स्टिकर बनाना है ये सही ऐड कर दे. इसको ऐड करने के बाद सबसे पहले आपने जो काम करना है वो इसको क्रॉप कर लें, ताकि एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करने में मुश्किल पेश ना हो. इस तरह अब आपका ये ऑब्जेक्ट है, इधर टिक कर दें. ओके हो गया. अब सबसे पहले इफ़ेक्ट्स पर आप जाएं. ये HDR नज़र आ रहा होगा, इससे थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी फ़ोटो में. ये देखें, देखे होगी मगर बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करनी, थोड़ी सी ऐसे. अब ये देखें और ये देखें, कुछ बेहतर है. ठीक है. अब इधर से इरेज़ वाले बटन को प्रेस कर रहे हैं, ऐसे हो गया. इरेज़ को प्रेस करना है, इधर से आपने हार्डनेस को 100% कर देना है. साइज़ आप देख लें. जब आपने जूम इन कर फ़ोटो को कट करना है तो साइज़ ज़्यादातर आप कम ही रखें, 20, 22, 25 तक. इधर आपने ऐसे करना है, ये देखें बिल्कुल आराम से.
तो फाइनली हमारा स्टिकर बन चुका है, तो इधर आप इसको इधर टिक कर दें, गुड हो गया। आप एडजस्ट कर रहे हैं तो एडजस्ट कर, जरूरत तो नहीं है वैसे भी एडजस्ट किसने करना होता है, इधर से टिक कर दें, आप इधर से इधर करें और ये देखें नज़र आ रहा है, सेव का बटन दबाएं, सेव गैलरी डन। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव हाउ टू मेक वीडियो बआसानी मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट्स तो ज़रूर करना, तो अब इसी तरह की एक नई वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।